वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज जो है ना हनुमान जयंती है, तो उसी वजह से जो है पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तो जो प्रसादी थी हनुमान जयंती में जो बनाई गई थी, तो वो पूरी यहाँ पे बनाई थी भुआजी के घर पे, तो हम सब ने मिलके खाई थी। और ये देखिए बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं। तो हनुमान जयंती भी थी और इसी खुशी में जो है हमने पीले चावल भी कर लिए। तो किसके लिए किए मैं आगे बता दूंगी। और मतलब कि कल बुधवार है, तो उसी कारण से जो है, तो बुधवार के दिन है ना गणेश जी नूत लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किस वजह से जो है हम ये सब कर रहे हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए हमने चावल वगैरह ले लिए, हल्दी ले ली और जो घी होता है वो ले लिया है, थोड़ा सा कुंकू ले लिया है टीका विका करने के लिए। और चलो तो यहाँ पे पीले चावल कर रही हैं अभी। तो ये पीले चावल जो है ना जब भी करते हैं, जब किसी घर में शादी होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारे घर में भी शादी है, तो किसकी है आपको मैंने बताया भी था पहले। और अगर आपको नहीं पता है ना, तो मैं आपको जो है आगे बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये रस्म होती है। तो यहाँ पे देखिए पीले कपड़े में ले लिया, और जो है पाँच जो लेडीजें रहेगी तो सब अपने हाथों में इस तरह से जो है उसको मस लेगी। तो चलो मैंने भी यहाँ पे ले लिया है, सारी रस्म जो है हम सब करेंगे मिलके। सारी रस्में कर ली थी क्योंकि कल बुधवार था, तो कल शुभ दिन था, तो सोचा कि कल गणेश जी नोत लेंगे। तो ये देखिए रात को सारी चीज़ें हो गई, डांस गाना सब। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे, वो पूरा सामान जो है मैंने निकाल के रख लिया है जो मैं सुबह जो पहनने वाली हूँ। तो देखिए चूड़ी वूड़ी सब, साड़ी निकाली है मैंने चुनरी की जो मैं सुबह पहनूंगी, और जो है ज्वेलरी थोड़ी सी निकाल ली है जो तैयार होके जाऊँगी ना उसके लिए। तो सुबह हो गई है और मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी है ना सुबह की 6 बज गए हैं, 6 बजने वाली अभी बजी नहीं है। तो और मैं उठी थी 4 बजे उठ के जो है इस तरह से देखिए, तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस वजह से जो है तैयार हुई हूँ, तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मतलब कि जो मेरे दो देवर जी हैं, तो उनकी शादी थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो बस उसी के जो है रात को चावल किए थे, अचानक से प्रोग्राम बन गया था गाइस, तो रात को पीले चावल कर लिए। और लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना जो है ये भी चल रहा है वायरस, तो उसके चक्कर में जो है ना शादी थोड़ी सी नॉर्मली कर रहे हैं, ज़्यादा हैवी नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो अचानक से प्रोग्राम बना कि चलो कल भी बुधवार का दिन है, सॉरी आज बुधवार हो गया, रात को हमने सोचा था बोल रहे थे मतलब। तो फिर वैसे भी ज़्यादा लोगों को तो बुलाना है नहीं, इसलिए बस थोड़े चावल किए, कार्ड वाड़े भी ज़्यादा बनवाए नहीं है। और उसके बाद पीले चावल कर लिए हैं, थोड़े से घर में आसपास के दे देंगे। गणेश जी नोतने के लिए हम जाएंगे, जो गणेश जी नोतने के लिए जाते हैं ना पीले चावल करके, तो बस वही जाएंगे। और शादी ज़्यादा मतलब कि हैवी नहीं कर रहे, थोड़ी सी नॉर्मल कर रहे हैं। तो पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अभी बजे 6, मैं 4 बजे उठ गई थी, और अभी 6 बजे नहीं है, 6 बजने वाली है। और 4 बजे उठ के जो है मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखिए पूरी चुनरी की मैंने साड़ी पहनी है। और बस बाल गोपाल जी हमारे सोए हुए, तो उनको मैं अब जगाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे बाल गोपाल जी कहाँ सोए हैं। तो ये देखिए हमारे बाल गोपाल जी सोए हैं यहाँ पर बड़े आराम से। इनको मतलब कि मैंने थोड़ा सा भारी सुला रखा है, मंदिर में नहीं सुलाया क्योंकि इनके लिए कूलर वगैरह कुछ भी नहीं था, गर्मी का टाइम है, तो मैंने यहाँ सुला दिया था। तो चलो भगवान जी को जगा ही देते हैं। उठ जाओ लल्ला, उठ जाओ। हमें तो हमारे बाल गोपाल जी यहाँ बैठ गए हैं, उसके बाद में पूरी मंदिर की मैं सफाई कर दूँगी। देखिए पूरे फूलों से गंदा हो रहा है, और अभी पूरी साफ़ सफाई करके उसके बाद में आप लोगों से फिर से बात करती हूँ।
तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला धोला के तैयार कर दूंगी। तो लड्डू गोपाल जी भी सोच रहे होंगे कि आज इतनी जल्दी मुझे नहलाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा मैं थोड़ा लेट नहलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा 6 बजे उठती हूँ, 4 बजे तो नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन 6 बजे उठ के और उसके बाद में तो मुझे 8 तो बजे जाते हैं भगवान को सब तैयार व्यार करने में। तो आज बाल गोपाल जी ना 6 बजे नहा रहे हैं, तो इनको भी खुशी हो रही होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं शंख में पानी लेके और भगवान जी को नहला दूंगी, और मतलब कि कहते भी कि शंख में लेके ही पानी से नहलाना चाहिए भगवान को। तो बाल गोपाल जी और यहाँ पे जो है विष्णु भगवान हैं, और यहाँ पे जो शंकर जी है छोटी सी मैंने वो रख रखी है यहाँ पे शिवलिंग, तो इनको जो है स्नान करवा दूंगी। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में, और ये देखिए मैंने जो है थाली सजा ली है, जो कि गणपति बाबा के यहाँ जाएंगे ना वहाँ के लिए ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ लिया है और कंकु हल्दी अबीर सब ले लिया है, और यहाँ पे गुड़ भी लिया जो कि प्रसाद के रूप में बांटेंगे बाद में, और जो गणेश जी है ना उनको भी चढ़ता है, और पीले चावल थे ना वो वाले भी रख लिए है, और यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी डाल लिया है यहाँ पे कटोरी में। तो गणपति बाबा होते हैं ना उनके यहाँ चढ़ता है वो। तो पूरी तैयारियाँ हो चुकी है और यहाँ पे मैं थाली को ढक लेती हूँ और अब हम जाएंगे मंदिर। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 मास्क भी रख लिए हैं, जो कि मेरी एक देवरानी के लिए एक मेरे लिए हैं, तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो मैं गली में ही थी इसलिए लगाया नहीं था, तो गाड़ी में अभी बैठूँगी ना तब लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों देवर सॉरी मेरे हस्बैंड और मेरा देवर जी जो है जिनकी शादी होने वाली है ना वो भी है, और मेरे घर में जो है ना 2 लोगों की शादी है और दोनों ही हमारे देवर हैं, तो हम दोनों जेठानियाँ बन गई है, मतलब कि देवरानी जेठानी है हम दोनों, और हम दोनों की जो है देवरानियाँ आने वाली है, और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं ना कभी कभी 7-8 बजे भी उठ जाती हूँ, लेकिन इस खुशी में तो मैं 4 बजे उठ के जो है रेडी हो गई थी, क्योंकि अब बड़ी बन चुकी हूँ, तो इस वजह से तो अब बड़ी वाला जो है हमें काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें संभालना है जो भी संभालना है। तो देखिए गाड़ी में हम कितने लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे देखो मेरी मासी भी आ गई है, तो ये भी हमारे साथ में जाएंगी, और वैसे जो लॉकडाउन चल रहा था उसके चक्कर में तो जाने दे रहे, लेकिन पुलिस वालों से ना बात हो गई थी तो उन्होंने मतलब कि परमिशन दे दी है। तो बस यहाँ पे गणपति बाबा के भजन करते करते तो हम निकल पड़े हैं गणेश जी को नूतने, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइज, आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और ये जो अभी जो ये COVID-19 आया ना इसके चक्करों में है ना पूरा टाइम ऐसे वेस्ट चला गया, मतलब 2 साल पूरे ऐसे कैसे चले गए। तो हमने सोचा कि इस साल तो जो है करना ही है, तो चलो अभी परमिशन मिल नहीं रही थी, लेकिन अब परमिशन मिल चुकी है शादी की, मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे बारात में ऐसा बोला गया है, 5 से 10 लोग ही जा सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। तो चलो यहाँ पे गणपति बाबा का मंदिर आ गया है, तो यहाँ पे जो है पूजा पाठ करेंगे। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि अभी मंदिरों में अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम खुद पंडित हैं ना इस वजह से जो है हमको थोड़ा सा अलाउड कर दिया था अंदर जाने को। और ये देखिए यहाँ पे जो है दोनों का नाम लिखा हुआ है, जो हमारे जो देवर है और हमारी देवरानियाँ हैं। तो सबसे पहले कार्ड जो होता है ना वो गणपति बाबा को चढ़ता है, उनसे ही जो है शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पे हम 3 कार्ड लेके आए थे, तो अलग अलग जो देवता आएंगे ना उनको सबको जो है देते जाएंगे। तो अभी तो हम ना मंदिर के बाहर ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी पंडित जी अंदर से आए नहीं थे। तो यहाँ पे सारी जो है ना पूजा में यहाँ पे मेरी देवरानी उसी से करवा रही हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए, क्योंकि वीडियोस कैसे बनती उस वजह से। तो यहाँ पे देखिए पूरी जो है कार्ड वार्ड रख के यहाँ पे पूरी पूजा जो होगी ना वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारे गणपति बाबा को हम मनाते हैं सबसे पहले। लोकेशन है ना सबसे ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे भी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जिनकी शादी है ना, तो ये है मेरे देवर जी जिनकी शादी है, जैसे 2 जनों की है, तो यहाँ पे उसमें से ये है बड़े हैं इनकी शादी है, और एक ये है छोटे वाले और इनकी भी शादी है, तो इन दोनों की शादी है। काफ़ी टाइम से सोच रखा तो आज वो टाइम आ ही गया है, तो आपको हाई कह रहे हैं।
तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको जो पूजा हम करेंगे। यहाँ पे मैं भी हाथ लगा ले रही हूँ। और जो पहले वीडियो आपने अभी थोड़ी मैंने ना मेरे को थोड़ा सा शायद मेरे को थोड़ा फास्ट कर देना था, थोड़ी सी स्लो कर दी ना मैंने वीडियो को, थोड़ा मुझे फास्ट रखना था, लेकिन क्या करूँ मैं भूल गई ना थोड़ा सा। अगर फास्ट कर देती ना बीच में भी तो थोड़ा मेरा जो है ना वीडियो भी ख़राब हो जाता। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा आपको लगा होगा लेकिन कोई नहीं, थोड़ा नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए हल्दी वल्दी की जो गाठी होती है वो सब रख दी है, फूल वगैरह रख दिया है, और ये सब जो है सब गणपति बाबा है ना उनके पास ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुड़ वगैरह भी मैंने बोला था ना आपसे वो रखने के लिए, तो सब चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है ऐसे। और जो लोग पूजा करते हैं उनको सबको पता होगा मैं तो फर्स्ट बार ही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और जो है वीडियो वाले भी नहीं थे तो मैंने सोचा वीडियो भी ऐसे बन जाएगी, सब लोग देख लेंगे, मेरे घर वाले भी देख लेंगे। तो लड्डू वड्डू भी चढ़ा देंगे क्योंकि गणेश जी के जो है ना प्रिय होते हैं, और लड्डू तो हमें मिल ही नहीं रहते थोड़ा आगे जाके, और क्योंकि गणपति बाबा का जो ये मंदिर है ना इनके आगे पूरी बहुत सारी ढेर सारी दुकानें लगी रहती है, तो सुबह सुबह भी हो रही थी शायद इसलिए नहीं लगी होगी। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दक्षिणा वगैरह सब चढ़ा दी है, और उसके बाद में हम दोनों जने मिलके तो ये सब है ना पंडित जी को देंगे अभी। तो जो पंडित जी ना वो गणपति बाबा के यहाँ रख देंगे क्योंकि पहला कार्ड रहता, तो सारे जो है उनको विधि विधान से सारे काम करने होते हैं। और चलो मैंने ये सब करके थोड़ा सीख भी लिया है, तो यहाँ पे समझा के भेजा था घर पे से ही ये सब करना है। और आई होप कि हमने ये सब अच्छे से किया हो, और वैसे भी गणपति बाबा है ना तो हमें माफ़ कर दें क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है, लेकिन हमने कर लिया क्योंकि अभी आने नहीं दे रहे ना अंदर। अब घर के बड़े भी आए थे पर उनको आने नहीं दे रहे इस वजह से, और ये सारी जो है काम है ना अब सारे हमें ही करने हैं क्योंकि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे और मेरी सास को अब करना नहीं है। तो जो घर के जो बड़े हैं हम ही हैं, और जो मेरी देवरानी उनकी भी सास वगैरह नहीं है, तो घर के बड़े अब जो है हम ही रह गए हैं, तो हमको सारी चीज़ें अब सीखनी पड़ेगी। तो जो है सारे जितने भी शादी का जो भी काम होगा हमें ही करना है, तो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है हमने साड़ी के पल्लू में ना गणपति बाबा ले लिए हैं जो कि पूरी पूजा में वगैरह में ना काम आएंगे। बस हो गई पूजा हमारी पूरी, और यहाँ पे अब जा रहे हैं हम बाहर, और देखिए पंडित जी कितने अच्छे हमें बाहर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और आई होप कि अच्छा हुआ हो, सब अच्छे से किया हो हमने। तो अब यहाँ पे जो बड़े गणपति हैं ना उनके बाहर जो दरवाज़ा था आपको दिखाया था, तो वहाँ पे जो है पीले चावल रख दिए हैं ताकि वो गणपति बाबा भी हमारी शादी में शामिल हो जाए। और ये देखिए ये है काल की माता का मंदिर, यहाँ पे भी हम जो है निमंत्रण देने के लिए आए हैं, तो कार्ड वार्ड सब जो यहाँ पे भी देंगे, सब जो विधि विधान से जो वहाँ पे किया था वो सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगी क्योंकि फास्ट नहीं करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो अब आए हम भैरू बाबा के मंदिर, तो यहाँ पे भी हम रख देंगे पीले चावल। तो यहाँ पे पहले फूल रख दे रहे हैं, उसके बाद में पीले चावल रख देंगे ताकि ये सारे देवता हमारे शादी में आए। और वैसे पांच देवता हमें करने हैं, तो पांचों देवताओं के रखेंगे, तो मतलब कि भैरू बाबा हनुमान जी सब सारे देवता हो गए थे, तो मैंने सारे तो नहीं लिए इसके अंदर। अब हम आ गए हैं घर पे, और उसके बाद में जो है ना दोनों तरफ हम साटियाँ बनाएंगे जो कि शुभ रहते हैं, और घर के जो मंदिर से आने के बाद में ना साटी वाटे बना के जो है अंदर एंटर करना चाहिए, और इसी घर से जो है शादी होगी। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ साटियाँ बना दिए हैं, और उसके बाद ही मैं अंदर की तरफ जाऊँगी। ये हमारे घर का मंदिर, तो यहाँ पे भी जो है गणपति बाबा लेके आए थे ना तो वो भी यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद में जो पीले चावल थे जो बच गए थे तो वो भी यहाँ मंदिर के यहाँ रख दिए। तो यहाँ पे भी भगवान से हम जो है प्रार्थना कर लेंगे,
और उसके बाद में जो लास्ट काम बचा है हमारा वो है पितरों के यहाँ पे जो है आमंत्रण देना उनके वहाँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये कार्ड रखना। तो यहाँ पे शादी का कार्ड है तो पितरों के यहाँ भी रख देंगे। नाम लिखना मतलब पड़ता है, नाम लिख सकते हैं, बाकी वो पेन नहीं दिख रहा था कि मतलब नया भी पेन होना चाहिए, उसके बाद में रेड पेन होना चाहिए, लेकिन वो था नहीं, तो इस वजह से हमने भगवान का सब जो भी मतलब कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनका सबका नाम लेके और ये देखिए यहाँ पे हम रख देंगे कार्ड को। सब जो देवता थे उनके यहाँ पे जो है निमंत्रण देके हम आ गए हैं। सारे देवताओं को जो है पीले चावल दे दिए, उनको निमंत्रण दे दिया है। वो सारे देवता है ना वही आएंगे हमारी शादी में, क्योंकि कोरोना चल रहा है उसके चक्कर में, तो आपको पता है कि शादी कैसी होगी। ज़्यादा हैवी नहीं होगी पर नॉर्मल होगी, पर ये कि शादी हो जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था ना कि सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो बस आज से ही स्टार्ट हो गई शादी का पूरा जो है काम, और बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी सारे वीडियो। और गाइज अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो।